चलिए, तो आपका नया चैप्टर का नाम क्या है? साझेदार का प्रवेश। गौरव, गौरव कोई नहीं है क्या लाइन पे? हाँ, यस सर चैप्टर का नाम क्या है तन्नू, बताइए तो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ, रोहित बोला एकदम तगड़ा। बताइए रोहित, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या मतलब होता है, क्या सिचुएशन है, मतलब क्या हुआ? नया एडमिशन की नया पार्टनर के आने पर रेशियो में चेंज हो सकता है क्या? नियमों नहीं पूछ रहे, काउंटिंग इफेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, क्या होता है, मतलब क्या बता रहा है, इसमें क्या हुआ होगा। नए एडमिशन, नए पार्टनर का एडमिशन हुआ होगा, हाँ, पहले डेमो लिया होगा मतलब सर नया पार्टनर मतलब पहले रोहित। यस, इससे अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइए। अच्छा, केशव आप बताइए, क्या हुआ है केशव? मतलब सर मतलब न्यू पार्टनर मतलब बिजनेस में मतलब एंट्री किया, मतलब बिजनेस में आया है। बिल्कुल, पहले से अगर दो रहा होगा तो एक तीसरा आया है, अगर पहले से अगर तीन रहा होगा तो चौथा आया है, इसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसमें आपको रिकंस्टिट्यूशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर होगा, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट तो यही होगा कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जैसे हम लोग निकालते थे, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग वहां पे करते थे न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग आता था। यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, जगह नहीं छोड़ी है तो पहले देख लीजिए। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा, प्रवेश करने वालों साझेदारी की स्थिति, स्थिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे मिलेगा, कौन कितना देगा और उसका क्या क्या हिसाब होगा। ठीक है, नए साझेदार की आवश्यकता, नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, हो सकता है हमको पैसे के लिए जुड़े होंगे, या तो है मैन पावर के लिए जुड़े होंगे, कुछ कारण होंगे, गुडविल के लिए जुड़े होंगे, अच्छा पार्टनर रेपुटेटेड आदमी होगा, तो क्यों जोड़ते हैं नया पार्टनर्स। फिर नया साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, समायोजन क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, तो इसमें से बहुत सारा वही होगा, जैसे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, लेकिन होगा वही हम शुरू में बता दिए हैं। तो एसेट्स लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, सब कुछ यही आएगा। फिर बोलता है द्रुत पुनरावलोकन, मतलब क्या है, फास्ट रिविजन, फिर हम रिविजन करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पक्का? चलिए, तो पहला बोलता है प्रवेश करने वाले साझेदारी की स्थिति, प्रवेश करने वाले साझेदारी की स्थिति, पोजिशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए 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 सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना, इंप्लाई के रूप में नहीं, मालिक के रूप में आना। पक्का? और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, अगर दो था तो तीन हो गया होगा, या तीन होगा तो चार हो गया होगा, आठ हो गया होगा तो आठ होगा तो नौ। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदार में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसकी अपनी सहमति न दें। हमेशा देखिएगा वोटिंग राइट्स होता है, मतलब आठ में क्या कोई भी काम होगा, अगर पांच वोटिंग राइट्स दे दिया यस और तीन बोला नो, तो क्या पार्टनर एंट्री करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं, हमेशा मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा वाला का बात चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पार्टनर केस में सब पार्टनर को सहमति होना चाहिए, एक भी नखड़ा कर रहा है तो नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, सभी साझेदार, ऐसा नहीं होता है वोटिंग राइट नहीं देखेंगे 50% ज्यादा है, यहाँ देखेंगे सभी साझेदार, सभी सभी, एक भी अगर ना ना कर देगा तो एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, नया फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। ये मान लीजिए कि फर्म चल रहा है, नया पार्टनर यहाँ एडमिट हुआ, तो विवेक बताइए वो किस काम के लिए लायबल होगा, यहाँ वाले काम के लिए कि यहाँ वाले काम के लिए? विवेक, विवेक हरिओम बताइए आप। हरिओम नहीं बताइएगा केशव? सर दो नंबर वाले के लिए। बिल्कुल, इसके लिए ज्वाइंट होने के बाद के लायबल होगा, इसके लिए लायबल कौन होगा केशव? ज्वाइंट होने से पहले जो काम हुआ उसके लायबल कौन है तन्नू? राणा पार्टनर सर। राणा पार्टनर,
तन्नू का आवाज चेंज हो गया, आवाज कला में कुछ हो गया तन्नू, पुराना वर्डर। चलिए, परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नया पार्टनर इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे पूंजी तथा ख्याति के निर्धारित राशि लानी पड़ती है। इन राशियों के लाने के कारण नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वह व्यवसाय के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। तो जो नया पार्टनर आएगा वो दो चीज लाएगा, वो क्या क्या दो चीज लेकर के आएगा? वो एक कैपिटल लेके आएगा और दूसरा क्या लेके आएगा? गुडविल। गुडविल एक्चुअली लाता नहीं है, गुडविल के बदले पैसा देता है। गुडविल लाता नहीं, गुडविल तो हमारा यूज करेगा। जो कैपिटल देगा वो किस लिए देगा? जो मेरा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है, मतलब कैपिटल है उसके बदले में। अगर हम लोग का बिजनेस में 3 लाख का कैपिटल है तो हम उसको बोलेंगे अब तुम 1 लाख रुपया दो पक्का। तो 1 लाख रुपया कैपिटल क्यों लाया? वो अपने इस पे एसेट्स लायबिलिटीज पे हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हमने जो फॉर्म में गुडविल क्रिएट किया उसके लिए तुमको अलग से लाना पड़ेगा। सपोज कीजिए हम लोग का गुडविल 3 लाख रुपया है तो उसको हम कितना 1/3 दे देंगे ना उसको, तो क्या करेंगे हम उसे 1 लाख रुपया गुडविल का भी लेंगे। अगर गुडविल का वैल्यू 30,000 होता तो क्या कितना लेते इससे? 10,000 नहीं लेते। तो गुडविल का पैसा क्यों लेते हैं? प्रॉफिट देने के लिए। एसेट्स लायबिलिटीज के लिए तो कैश ले ही लिए कि आज तक इसमें 3 लाख का संपत्ति है, तुम पार्टनर बन रहे हो तो इसमें से तुम्हारा कितना हक हो जाएगा? 1/3। 3 लाख में 1 लाख रुपया दे दो हम लोग, तो उसके लिए हम लेंगे कैपिटल। लेकिन अब जो फर्म कमाएगा उसके में हमको प्रॉफिट देंगे ना, तो उसके बदले में आपसे क्या लेंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तन्नू? गौरव समझ रहे हैं? गौरव गौरव नहीं आया हुआ था भाई, लाइन पे आया तो गौरव हमको दिख रहा है। गौरव रुजदा 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 नेट स्लो है, गौरव का नेट स्लो है। रुजदा आप बताइए, समझे कॉन्सेप्ट? श्रुति? यस सर। समझ गए? खुशबू? यस सर। खुशबू समझे आप? यस सर। नए साझेदार प्रवेश का प्रभाव, प्रभाव मतलब इफेक्ट। साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदार का अंत हो जाता है और नई साझेदारी का गठन होता है, मतलब वही रिकंस्टिट्यूशन। नई गठन का मतलब क्या? रिकंस्टिट्यूशन। क्या इफेक्ट होता है? पुराना फॉर्म बंद हो जाता है, एक नया फॉर्म चालू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। तो पार्टनरशिप आने से पहला क्या होता है? फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। नए साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप पुराने साझेदार का संयुक्त कट जाता है। मतलब नया पार्टनर जैसे आएगा तो उसको भी लाभ में हिस्सा मिलेगा ऑटोमेटिक। इसका मिला कहाँ से? पुराना पार्टनर में से। तो पुराना का हिस्सा क्या होगा? घट जाएगा। कोई डाउट किसी को? तीसरा क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट, नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है और परिमाता साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। पहला ने रिपीट कर दिया, ये सेम लाइन है। जैसे नया साझेदार आता है तो इसका रिश्ता चेंज हो जाता है। रिश्ता चेंज होने का मतलब क्या है? ये पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, नया गठन बोला है, नया गठन या पुनर्गठन मतलब एक ही चीज है ना? नया जन्म या पुनर्जन्म मतलब एक ही चीज है कि नहीं? अंतर दोनों में एक ही है। फॉर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, तो कौन ने क्या बात बोला? नहीं। पांचवा, नए साझेदार को फॉर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसे गुडविल की ख्याति प्रीमियम लानी पड़ती है। हम बताए थे ना, अभी लाया था। एसेट्स के लिए क्या लाना पड़ता है? कैपिटल। और प्रॉफिट पाने के लिए गुडविल, उसको हम लोग प्रीमियम ही बोलते हैं। हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? या तो खाली सिर्फ गुडविल यूज करते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। छठा, ख्याति की राशि नगद में लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में असमर्थ रहने पर पूंजी खाते के माध्यम से इसका समायोजन किया जा सकता है। ख्याति की राशि का विभाजन पुराने साझेदारों में उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में किया जाता है। कहने का मतलब सेम पहला वाला कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब उसको हम बोले कि तुम कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेकर के आओ,
और गुडविल के लिए तुम सब कुछ करो, तुम 10,000 रुपया लेके आओ। अगर वो गुडविल के लिए 10,000 नहीं लाया है तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे उसका, मतलब डेबिट कर दिए मतलब हम छीन लिए तुमसे, तो तुम्हारा कैपिटल बच गया 90 और गुडविल के लिए ले लिए हम तुमसे 10। तो ये बोल रहा है जब साख्याति की राशि नगद में लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में असमर्थ हो, अगर असमर्थ का मतलब नहीं ला पाया, तो क्या करते हैं पूंजी के माध्यम से इसका समायोजन किया जा सकता है। सिंपल है, जहां पर कैश को डेबिट करते हैं वहां पर किसको डेबिट कर लेंगे हम, कैपिटल को डेबिट, तो कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, मतलब कैपिटल कम तो कर लिए, तुम्हारा कैपिटल समझेंगे तुम 1 लाख नहीं लाए, तुम 90,000 ही लाए। वही बता रहा है, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ख्याति की राशि का विभाजन पुराने साझेदारों में उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में किया जाता है। अब जो गुडविल जो लाएगा वो गुडविल लेगा कौन, कौन लेगा, पुराना पार्टनर। तो पुराना पार्टनर किस रेशियो में लेगा, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में लेगा, ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, सही है ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सिंपल, जो उसको अपना प्रॉफिट देगा वो लेगा पैसा, क्योंकि गुडविल गुडविल बेच रहा है ना अपना। हो सकता है कि दोनों का 50-50% था, मेरा और किस मोहन का 50-50% था, थर्ड पार्टनर आई वर्षा, तो मेरा रिश्ते नया रेशियो हो गया 20:50, 50%, 30%। आप जो प्रॉफिट का पैसा लाइए कौन लेगा, हम लेंगे। उसका कहाँ फर्क पड़ा, उसको 1 लाख में 50,000 पहले ही मिल रहा था, आज 50,000 मिल रहा है। अब 1 लाख प्रॉफिट होगा तो 20 हमको मिलेगा, 50 आपको मिलेगा, 30 आपको, तो 30 आपको बेच दिए इसके लिए आपको मिल रहा है, कोई फर्क नहीं। मान लीजिए कि 50-50 था, नया रेशियो 40-40-20 है, तो 10% हमने सेक्रीफाइस किया, 10% उसने सेक्रीफाइस किया, तो जो पैसा लाएगी उसका 1:1 में हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कॉन्सेप्ट समझना था। फिर सातवां, साझेदार के प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी बढ़ जाती है और फर्म के प्रबंधन या कामकाज के लिए अनुभवी व्यक्ति की सेवा प्राप्त हो जाती है। मतलब एक पूंजी भी बढ़ जाएगा और एक आदमी भी बढ़ जाएगा, कामकाज के लिए एक अनुभवी व्यक्ति भी बढ़ जाएगा, पक्का। आठवां, प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश करने से फर्म की ख्याति बढ़ जाती है, गुडविल बढ़ जाता है। जैसे हम बोल देंगे सीए गुरुकुल में नया पार्टनरशिप हो गया है हम लोग, अभी डॉक्टर एसके सिंह सर जब बुक लिखते थे वो पार्टनर बन गए हैं इसमें, कैसा लग रहा है। कभी कभी चेहरा दिखा देंगे वो एसके सिंह, और बताइए आप लोग का सिलेबस कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, पूरा दरभंगा में हल्ला हो जाएगा सर। सीए गुरुकुल जो एसके सिंह सर की किताब पढ़ते थे वो सीए गुरुकुल में पार्टनर है, क्या होगा हमारा गुडविल बढ़ जाएगा, नतीजा क्या होगा, रिजल्ट हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा, क्या बात हो जाए एसके सिंह सर यहाँ पार्टनर बने, कुछ तो बात है। तो क्यों गुडविल बढ़ गया, क्यों, ऐसा करते हैं आपको, आपको भी जोड़ करके हम, ऐसा करते हैं हम आपको भी जोड़ लेते हैं, गुडविल बढ़ा लेते हैं, क्या क्रिस मोहन आपको जोड़ेंगे तो गुडविल बढ़ेगा, जो भी गुडविल वो भी बर्बाद हो जाएगा। जो खाजा सरा का लफुआ चले वो पार्टनर, आप जेबो मत करे टंगड़ी तोड़ दे, वो 1 नंबर का लफुआ है, हमेशा नशा में रहे तो बिरयानी नशीली आगे भाई, नशीली आगे नशा में रहे, वहां मत जाइए ना तो टंगड़ी तोड़ देगा, तो जो भी गुडविल तो भी गिर जाएगा। कृष्ण मोहन गलत सही बोल रहे हैं क्या, विवेक सुन रहे आप लोग, रोहित रोहित हाँ सर सुन रहे हैं, कृष्ण मोहन को जोड़ने से गुडविल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा थोड़ा मोड़ा के बहुत बहुत खत्म हो जाएगा गुडविल, माइनस में चला जाएगा। तो किसको जोड़ने से, बोलता है फॉर्म मिलता नहीं ऐसा करके, एक अनुभवी व्यक्ति की सेवा प्राप्त होती है, लेकिन वो व्यक्ति अनुभवी होना चाहिए ना, वो प्रतिष्ठित होना चाहिए या प्रभावशाली होना चाहिए, तो ना तो ये प्रतिष्ठित है ना तो प्रभावशाली। तो प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश करने से फॉर्म ख्याति बढ़ जाती है, गलती सही। लेकिन अब क्या लगता है हमको, अगर वो अपने राशन दुकान में पार्टनर बनाएगा तो जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ेगा, खाजा सरा के दो चार दुकानदार कस्टमर है मेरा स्टूडेंट सब जरूर बढ़ेगा, घटेगा कुछ नहीं तो सब बढ़ेगा जरूर, क्या बोलते हैं, सोचिए पार्टनर बनाने का, स्लीपिंग पार्टनर बनाइए, स्लीपिंग पार्टनर। चलिए नए साझेदार की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता होता है तन्नू बताइए, तो नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होता है, तन्नू नहीं है क्या लाइन पे, रुजदा नया पार्टनर को हम लोग क्यों एडमिट करेंगे, क्या जरूरत है नया पार्टनर को एडमिट करने का,
सर उसको अगर ऐसा लगे कि व्यवसाय में पूंजी कम है तो अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए। एकदम सही आंसर। दूसरा सर अपना गुडविल बढ़ाने के। बिल्कुल गुडविल बढ़ाने के। और आगे और सर मतलब सर जो मतलब सर काम काज मतलब जो व्यक्ति है कमी सर जितना अच्छा उसका वो रहेगा उतना अच्छा रहेगा तो व्यवसाय और बढ़ेगा उसके लिए भी। उसके लिए भी यही सब चीज जो पॉइंट आया था यही सब पॉइंट घुमा के बोल रहा है नहीं समझे। जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो आएगा तो हमारा पूंजी बढ़ जाएगा। जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन तो किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो वो जैसे मान लीजिए परवीन सर को पार्टनर बना लें तो हमको लगता है टीचिंग में हेल्प हो जाएगा। नहीं किसी को कोई पैसा वाला है जैसे कृष्ण मोहन पैसा वाला है तो उसको हम इसके लिए प्रॉप बना सकते हैं। इसके लिए नहीं लेकिन पैसा के लिए बोलते पाई वाला है खूब फायदा आपके रखता है तो इसको पार्टनर बना लिए पैसा के लिए। परवीन सर को पार्टनर बना लिए अनुभव और व्यक्ति के लिए पढ़ाने के लिए। जब किसी प्रभावशाली और विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो गुडविल बढ़ा सकते हैं उसके लिए बना सकते हैं। जब किसी सुयोग और निष्ठवान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के साधन बनाया जाना उचित प्रतीत हो। क्लियर है कोई दिक्कत तो यहाँ तक थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत कोई बोलता है नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन है तो एक नए साझेदार के प्रवेश पर बहुत सी समायोजना की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मुख्य समायोजन इस प्रकार है जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें आपको क्वेश्चन में वहां पे रहता था हम लोग क्या करते थे वहां पे आपको याद होगा जैसे कि मान लीजिए वहां पे पहले तो तीन पार्टनर था ए बी सी तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे न्यू रेशियो लिखते थे और यहाँ पे क्या करते थे ओल्ड रेशियो और माइनस प्लस करके क्या करते थे हम गेन या सैक्रिफाइस निकालते थे। पक्का तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सुन लीजिए पार्टनर दिया रहेगा तो हम लोग पहले पार्टनर लिख लेंगे ए बी सी और यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे ओल्ड रेशियो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तो इसमें ओल्ड रेशियो में क्या रहेगा इसका दिया रहेगा इसका दिया रहेगा ये तो ओल्ड था नहीं तो नया आया इसमें कुछ नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो लास्ट में लिखते थे ना उसको सेकेंड में लिख देंगे हम तो बता देगा इस पार्टनर को क्या गेन हुआ है तो जो इसको गेन होता है ना वही इसका नया रेशियो होता है जो भी इसका गेन वाले 1/2 है तो यही इसका नया रेशियो भी होगा जितना गेन किया उसका वही रेशियो होगा। अब सिंपल है ये जो दिया होगा क्वेश्चन में ये दोनों दिया रहेगा तो इस दोनों की मदद से क्या होगा हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा ये। उस क्वेश्चन में फॉर्मेट था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो गेन सैक्रिफाइस निकलता था इसमें करेंगे ओल्ड रेशियो और गेन सैक्रिफाइस अगर गेन है तो प्लस कर देंगे और सैक्रिफाइस है तो माइनस कर देंगे ये गेन था प्लस कर दिए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा इसमें हो जाएगा नहीं सॉल्व हो जाएगा कर पाइएगा सॉल्व की दिक्कत होगा ट्राई कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नया रेशियो लेंगे नया रेशियो में क्या करेंगे हम क्वेश्चन में दिया रहेगा सामने वाले ने कितना गेन किया है तो बता देगा कि इसने इतना गेन किया है जो गेन किया है इसका वही नया रेशियो हो जाएगा और बताएगा जो गेन किया है तो इसमें से कौन कितना सैक्रिफाइस किया है जो सैक्रिफाइस किया होगा तो इसमें से माइनस कर लेंगे जितना सैक्रिफाइस किया होगा तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका नया रेशियो इसमें से इसका माइनस करेंगे तो इसमें इसका नया रेशियो और इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका नया रेशियो क्योंकि गेन किया जोड़ते हैं सैक्रिफाइस होगा तो माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन में घुमा घुमा करके दिया रहेगा सेम क्वेश्चन आपको लगेगा कि वही पढ़ रहे हैं बस खाली फॉर्मेट चेंज करना है न्यू माइनस ओल्ड नहीं करना है इसमें करना है न्यू माइनस सैक्रिफाइस तो माइनस कर लेंगे सॉरी ओल्ड ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे तो न्यू रेशियो आएगा गेन रहेगा तो ओल्ड प्लस गेन करेंगे तो न्यू रेशियो आएगा तो गेन रहेगा तो प्लस कर दीजिए और सैक्रिफाइस रहेगा तो माइनस कर दीजिए। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए फिर आगे बताते हैं। रितेश आप कुछ बोलते रितेश कुछ बोलते क्या नहीं आप रितेश कुछ बोलते नहीं आप गुस्सा गए हमसे क्या नो सर कुछ बोलते नहीं है एकदम नाराजगी है तो बता दीजिए हम नहीं समझ गए इस कॉन्सेप्ट यस सर आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिया ना आपको अभी जो बताएं कैसे करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए दिए हैं
उसको जो 1/3 मिला कौन कितना दिया, तो बता देगा इक्वली दिया। सपोज कीजिए कि तीन पार्टनर है ए और बी सी, तो पहले से इनका रेशियो था 1:1, इसका कुछ नहीं था, इसको 1/3 मिला, तो 1/3 का 1:1 में दिया होगा, तो मतलब 1/6 ये दिया होगा, 1/6 ये दिया होगा, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैसे निकाले, 1/3 का हाफ 1/6, समझ में आ रहा है, ऐसे ही निकालेंगे जो पहली तरह से क्वेश्चन हुआ, नया नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, नहीं बताए हैं, थोड़ा सा अलग होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, बताए नहीं वाला हम, खुशबू रोहित बताए हुए कि नहीं बताए हुए हैं, यस सर। चलिए खुशबू ही बताए कि नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बताए कि नहीं बताए हैं, प्रणव कोई बोलबो नहीं करता, जिसको बोलना है मत बोलिए, जो बोल सकते हैं बोलिए, बोल सकते हैं कोई, बताए कि नहीं बताए हैं सर, बताए हुए हैं। चलिए खाली ये बच जाए बस, खाली एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा आपका, ये पूंजी का समायोजन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बाकी सब बताए हुए हैं, बाकी सब बताया हुआ। यहां तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, आगे जाते हैं। सर हाँ बोलिए, अरे क्या हुआ सर, सर YouTube पे जो वीडियो डालते हैं ना हिंदी डाल देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आते क्योंकि इंग्लिश से पढ़ते हैं ना। अरे नाम हिंदी में लिखे सिंपल है ना, कि इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर जो तो 12th का जो इंग्लिश पढ़ा था उसको क्या लिखेंगे, नाम एक ही हो जाएगा, इसीलिए हिंदी में मतलब बिहार बोर्ड, इंग्लिश में मतलब सीबीएसई बोर्ड। जो एसके सिंह का जो किताब आता है तो लोग ऑर्डर करता है, तो कैसे ऑर्डर करता है पता है, हम भी कंफ्यूज थे, बोलता है ना जैसे कि 11th का हिंदी मीडियम मंगाया था, बोलते सर बोलिएगा ना बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड, वो बोलते ना समझ गया, चार को लेखा शास्त्र भेज दीजिएगा, वो समझ गया वो, अगर अकाउंट बोल रहे हैं तो सीबीएसई का बोल रहे हैं, आगे बैठ जाइए बैठ जाइए, अकाउंट बोल रहे हैं सीबीएसई का बोल रहे हैं, लेखा शास्त्र बोल रहे हैं तो बिहार बोर्ड का, तो हम भी उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, अच्छा लगा। यूट्यूब पे अगर हिंदी में अगर डाल रहे हैं हेडिंग्स, इसका मतलब बिहार बोर्ड का है, और इंग्लिश में डाल रहे हैं तो सीबीएसई का है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम लोग, दोनों का एक ही चीज होगा, पता नहीं चलेगा बिहार बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों का सेम चल रहा है, वो लोग का थोड़ा फास्ट चलता है, वो लोग का एडमिशन खत्म होने वाला है, रिटायरमेंट शुरू होगा, आप लोग का ही खत्म रिटायरमेंट शुरू हुआ है, वो लोग क्वेश्चन बहुत फास्ट बनाता है, आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाते, बहुत पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा मन नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती बढ़ जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये ना प्रभाव बोल दीजिएगा कि चांदनी दीदी सर चाय के लिए बोल रहे हैं, जाइए तो थोड़ा सा यहाँ सीढ़ी का आवाज दीजिएगा। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब बता दिए, बताए ना कैसे निकालते हैं, बोलता है नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों हानियों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ अनुपात कहा जाता है। जैसे ना एक एग्जांपल ए बी और सी, जैसे कि मान लीजिए पुराना रेशियो पहले क्या था, 50-50 था, ये था क्या ओल्ड रेशियो, इसको तो कुछ नहीं होगा, नया में 20% गेन किया तो ये कितना कितना दिया होगा, 10% ये दिया होगा, 10% ये दिया, तो ये है केन और सैक्रिफाइस, तो ये न्यू रेशियो हो जाएगा, कितना होगा न्यू रेशियो, यहाँ पर बताएगा पूजा, बताइए कितना होगा न्यू रेशियो इसका, रितेश कितना होगा, क्या होगा एक और, हाँ कितना 40%
40% इसका, उसका भी 40% इसका 20%। बिल्कुल हरिया, मैं बहुत लेट से बोले रही, एक आदमी बोली तो फटाक फटाक बैच खींच देंगे, तो खाली चाय खींचेंगे। तो ये बोलता है नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फॉर्म के भावी लाभों हानियों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ बयाना करते नहीं, फॉर्म का भावी लाभ ए भावी नहीं भावी 40%, 40%, 30%। समझ में आ रहा है रोहित शर्मा? यस सर। चलिए, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयर। सो यही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला, ये ओल्ड है, ये सैक्रिफाइस है, ये गेन है। उसूल लेक्चर में बता दिए आप लोगों को, नहीं बोले थे जब पढ़ाए, सब बाद में लगे कि पढ़ाया हुआ है, हम सब कुछ अभी बता देते हैं गलत की सही। अब कैसे इसको ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना मतलब कैलकुलेट, तो जैसे अभी बताया ना कैसे कैलकुलेट किए, यही वाला बता देंगे। नए साझेदार के आगमन या प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात बदल जाता है, क्योंकि पुराने साझेदार अपने हिस्से में कुछ भाग नए साझेदार को दे देते हैं, ठीक है ना, कुछ भाग दे नहीं दिया, 10% ये दे दिया, तभी ना 20 उसका हुआ, 10% ये दे दिया, वही बोलता है दे देते हैं। अतः नए लाभ विभाजन का अनुपात ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः कुछ प्रश्नों में लाभ विभाजन अनुपात का दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ प्रश्नों में नया अनुपात नहीं दिया होता है, ऐसी स्थिति में नए लाभ विभाजन की गणना करना आवश्यक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि साझेदारों ने लाभ के हिस्से को प्रेजर में किस प्रकार प्राप्त किया, मतलब क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में घुमा घुमा के देगा, इसने 20% गेन किया तो इक्वली फ्रॉम ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो, 15% इससे लिया, 5% क्वेश्चन में दिया रहेगा पक्का। तो आगे क्या बोलता है जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे अभी अकाउंटिंग एंट्रीज आ गया, तो अकाउंटिंग एंट्रीज बताते हैं। अब सिंपल है कि दो पार्टनर था ए बी सी, नहीं दो पार्टनर था ए और बी, नया पार्टनर आया सी, सी कैपिटल लाएगा तो क्या एंट्री करेंगे तन्नू बताइए, तो सीज कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर का मतलब सीज, सीज कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत? सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए लेके आया और कोई जरूरी नहीं कैश में लेकर के आए, कुछ भी हो सकता है ना, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, नहीं सच बोलता पावर बैंक हो सकता है, गलत की सही, मेमोरी कार्ड हो सकता है, गलत की सही, नहीं हो सकता है, सब एसेट से जो भी एसेट्स आएगा उसको डेबिट करो कैपिटल को क्रेडिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो क्या करेंगे, लेकिन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया ये क्या होगा, मामा लोग जो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के आते हैं बैग तो उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन जो बिस्किट उस्कुट लाते हैं वो लोग हम लोग नोचना से खा जाते हैं, गलत नहीं खा जाते तो मामा का बक्सा है ना वो कैपिटल लाया बेचारा, उसको छोड़ देंगे उसे ही, कुछ नहीं छुटा करेंगे, ये खत्म हो गया, लाए लखा हुआ है, लेकिन ये जो लाए थे किसके लिए, हम लोग के लाए थे, जो जितना पैर दबाएगा उतना ज्यादा बिस्किट खाएगा, इसमें जा रहा है तो क्या करेंगे इसको, इसको छीन लेगा, कौन छीन लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइस किया कौन, ए और बी, तो मान लीजिए कि 20,000 रुपया लेकर के इसमें आया तो 10,000 ही ले लिया और 10,000 बी, मान लेंगे बराबर सैक्रिफाइस किया है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा, तो कैपिटल के लिए क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और एक एंट्री और होगा साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल टू एयर बी। मामा बक्सा लेकर गए तो खाली बक्सा लाने का एंट्री होगा, मामा बिस्कुट लाए तो बिस्कुट तो लेकर के आए उसको हम लोग खा भी नहीं उसका भी एंट्री होगा पक्का, समझ पा रहे हैं, तो मामा तो अलग अलग तो नहीं लाए होंगे रिक्शा वाला को, एक बार कैपिटल लेके आए एक बार बिस्किट लेके आए, दोनों साथ में लाए होंगे, एक हाथ में बास्केट एक हाथ में बिस्किट, इसका हम एंट्री एक ही कर सकते थे हम लोग, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मामा इसे भी आए थे, गलत की सही, समझ पाए कॉन्सेप्ट वाला, ये एंट्री क्या एंट्री है, इस दोनों का कंबाइंड एंट्री कर सकते थे क्योंकि दोनों में देख लीजिए कैश कैश कॉमन है ना, तो इसको कॉमन कर दिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट किसी को, हरिओम यस सर, ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, यस सर,
तो बस यही चीज बताया हुआ यहाँ पे, देख लीजिए। जब पूंजी रोकड़ के रूप में लाता है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पूंजी माल या संपत्ति के रूप में आता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कोई भी प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लायबिलिटीज लाया है तो उतना कम कर लेंगे, पक्का लायबिलिटीज लाया तो कम कर लेंगे ना, उससे तो उसका कम होगा। सपोज कीजिए 1,00,000 रुपया कैश लेके आया और 10,000 रुपया कर्जा लेके आया, तो नेट तो 90,000 लाया ना, तो हम कैपिटल 90,000 से क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज इतना रहेगा उसको हम क्रेडिट करके कम कर लेंगे। तो 1,00,000 रुपया कैश, 10,000 का लायबिलिटीज, मतलब कैपिटल कितना था उसका 90,000। क्लियर है? देखिए तो क्या है, देखिए तो समझ में आया आप लोग को? चलिए इतना रिवीजन कर लीजिएगा, बुक से पढ़ाया हुआ सब आप लोग का बुक है, ठीक है? तो कल कल इस पे इतना रिवीजन करवा के आगे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए, थैंक यू, कल बताते हैं आगे।